से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएमटीसी लिमिटेड, जिसका सिंबल भी एमएमटीसी ही है। इस स्टॉक में देखें लास्ट फ्राइडे को तो इस स्टॉक में लगभग 1 रुपए 2 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक लगभग 3.5% टूटता हुआ नजर आया। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट क्या बनता हुआ नजर आ रहा है और एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस का क्या मानना है इस स्टॉक के प्रति। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक के चार्ट कैंडल को देखें कि इस स्टॉक में किस तरह का चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे इस स्टॉक में ऊपरी लेवल से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो कि 5 जनवरी को इस स्टॉक में बेयरिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला, जहां पे इस स्टॉक में एक गिरावट रेंज स्टार्ट हुई और ये स्टॉक वहीं से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। और अगर हम बात करें इसका जो एक बड़ा एक सपोर्ट लेवल जो कि निकल के आ रहा है अराउंड 33 रुपए 50 पैसे के आसपास, आप इसका एक बड़ा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर यहाँ से इस स्टॉक में गिरावट होती है तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जब तक ये स्टॉक इस प्राइस से ऊपर रहेगा, आपको इस स्टॉक में एक तेजी का कैंडिडेट बनता हुआ नजर आएगा, जो कि अगर हम आने वाले समय की बात करें तो इस स्टॉक का जो पहला टारगेट है अराउंड 38 रुपए तक के बनते हुए नजर आएंगे और बड़े टारगेट के लिए आपको काफी टाइम वेट करना पड़ेगा, जो कि 42 रुपए और 45 रुपए तक के टारगेट बनते हुए नजर आएंगे। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको एक स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में बने रहना चाहिए, जो कि अराउंड 33 रुपए 50 पैसे के पास इसका एक स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मार्केट में जिस तरह की एक गिरावट रेंज देखने को मिल रही है, जहां पे निफ्टी भी अराउंड 132 अंक गिरता हुआ नजर आया और वहीं पे सेंसेक्स में भी लगभग 450 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। तो अगर मार्केट में एक तेजी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है तो इस स्टॉक में भी निचले लेवल से काफी बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक आपको फिर से 38 रुपए और 42 रुपए तक के टारगेट बनाता हुआ नजर आएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो आपको एक स्टॉप लॉस अराउंड 33 रुपए 50 पैसे का रखना चाहिए और आने वाले समय में इस स्टॉक में यहाँ से एक बड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।